दोस्तों सब्सक्राइब करने के बाद इस बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें जिससे कि आपको मेरे सारे वीडियो की सूचना मिलती रहे। स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल टेक्निकल सीखे में। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह अपने किसी भी पेंड्राइव को बूटेबल बना सकते हैं और किसी भी PC में विंडो 10 को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो ये देख सकते हैं मैंने यहाँ इंस्टॉल किया हुआ है विंडोज 10 को। तो आज मैं आपको भी बताने वाला हूँ कि आप किस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसे इंस्टॉल करने से पहले आपको यहाँ कुछ सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी जिसका जो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये सबसे पहले रूफ़ूस ऐप है जिसे आपको इंस्टॉल करना होगा, आप यहाँ देख सकते हैं। और साथ में आपको विंडोज 10 की ISO फाइल की ज़रूरत पड़ेगी। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप डाउनलोड कर सकते हैं। और ये आइसक्रीम रिकॉर्डर है, इससे आपको कोई काम नहीं, ये सिर्फ मैं यहाँ वीडियो बना रहा हूँ इसलिए इसे मैंने रखा है यहाँ। तो आप कोई सा भी ब्राउज़र में जाके सर्च कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पहले से सर्च किया हुआ है, गूगल में टाइप करके आप रूफ़ूस के ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर बिल्कुल फ्री है दोस्तों, आप इसे आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ डाउनलोड ऑप्शन जहाँ देखने को मिल रहा है, तो यहाँ आप कोशिश करें कि लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं जो कि आप यहाँ देख सकते हैं 3.8 है, ठीक है। तो अगर आपके पास पहले से ये रूफ़ूस ऐप है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ विंडोज 10 कैसे डाउनलोड करें। तो ये अगर आप PC में डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो थोड़ा हार्ड स्टेप है, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप अपने फ़ोन से डाउनलोड कर ले, वो अब तुरंत ही डाउनलोड हो जाएगा बिना कोई दिक्कत के, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो आपको सबसे पहले अपने कोई सा भी ब्राउज़र में टाइप करना है विंडोज 10 डाउनलोड PC, कुछ भी आप टाइप करें कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है इसके, जो कि microsoft.com लिखा दे रहा होगा, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है और फिर यहाँ आप उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुँच जाएंगे। तो आपको यहाँ पे सिंपली से कुछ स्टेप को फॉलो करना है, तो यहाँ आप देख सकते हैं। तो मैं यहाँ लिंक भी कॉपी कर लेता हूँ, अगर आपको चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट जरूर करें। तो यहाँ पे आपको मैं आप लेटेस्ट भी जा सकते हैं या फिर आप ओल्ड वर्जन में भी जा सकते हैं, बाद में आप उसे अपडेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ मैं इंग्लिश इंटरनेशनल को चूज़ करा और यहाँ कंफर्म क्लिक कर दिया। अब यहाँ 64 bit या 32 bit, ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंड करता है। अगर सिस्टम आपका बहुत हाई फाई है तो फिर आप 64 bit पे जा सकते हैं, अगर लो है तो फिर आप 32 bit से ही काम चला सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ डाउनलोड स्टार्ट हो चुका है, ये तकरीबन 5.2 GB की फाइल है, तो अभी कुछ ज़्यादा ही हो गया, पहले ये 4 GB के अराउंड होता था। तो इसमें बहुत सारे अपडेट्स होंगे, न्यू है इसलिए। तो यहाँ मैंने आपको डाउनलोड करना सिखा दिया है, अब आगे किस स्टेप पे बढ़ते हैं। तो यहाँ मैंने जैसे यूसुफ ऐप को ऐप पर एप्लीकेशन पे क्लिक किया, तो ये कुछ मुझे अपडेट करने बता रहा है कि मेरे पास ओल्डर वर्जन है जो कि है 3.5। तो अब मैं उसे डाउनलोड कर लेता हूँ जल्दी से, क्योंकि वो ज़्यादा MB की है नहीं फाइल, बस कुछ ही 5 MB की है, तो ये तुरंत ही हो जाएगा डाउनलोड। तो आप भी कोशिश करिएगा कि लेटेस्ट वर्जन से ही करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वो ज़्यादा ऑप्टिमाइज रहता है। तो यहाँ मैंने लॉन्च पे क्लिक कर दिया और ये न्यू विंडो ओपन हो जाएगा 3.8 से। तो इसमें आपका कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, तो यहाँ आप देख सकते हैं। तो फर्स्ट में आपका डिवाइस होगा जो ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा, अगर तो मेरा नेम कुछ इस तरह से है क्योंकि ये पहले मैंने किया हुआ है इसलिए। तो इसमें आपको एक बात का ख्याल रखना होगा कि इसमें आप सारे फाइल इसमें डिलीट हो जाएंगे आपके, इसलिए आप पहले से बैकअप रख ले या फिर पहले आप कहीं सेव कर ले अपने फाइल पेंड्राइव में से। तो यहाँ पे आपको कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, बस आपको ISO फाइल पर सेलेक्ट करके रखना है। तो मैं ISO फाइल मेरे फोल्डर में सॉफ्टवेयर के नाम से है, तो कि आप यहाँ देख सकते हैं। तो ये डायरेक्ट ही आपको बस इस पर क्लिक करना है और फिर ओपन पे क्लिक कर देना, और बाकी ये सब ऑटोमेटिक सर्व कर देगा। तो यहाँ अब एक दूसरी बात आती है कि आपको GTP करना है या फिर MRP करना है, MBR करना है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप GTP करें, क्योंकि विंडो 10 में GTP मोस्ट चलता है और ये न्यू वे है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट पे क्लिक कर दिया, सबसे लास्ट में आप जहाँ देख सकते हैं। और ये इंस्टॉल होने में कुछ 10 मिनट लगेगा आपके पेंड्राइव को पूरी तरह से बूटेबल बनाने में। तो ये बहुत ही आसान सा ट्रिक है, आप इसे ज़रूर यूज़ करें। और एक और, अगर आप इससे नहीं करना चाहते तो आप CMD कमांड से भी कर सकते हैं, बट वो थोड़ा लॉन्ग स्टेप है और ये बहुत ही शॉर्ट में ये स्टेप हो जाता है और ये प्रॉपर वे में काम भी करता है ये स्टेप। तो आप
मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इसे ही यूज़ करें, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बस आराम से हो जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि थोड़ा टाइम लेगा, ये कम से कम ये 10 मिनट ले जाएगा। ये डिपेंड करेगा आपके कंप्यूटर की स्पीड पे, अगर आपका कंप्यूटर में हाईफाई प्रोसेसर और रैम लगा हुआ है तो ये तुरंत 5 या 4 मिनट में हो जाएगा। और आपके पेंड्राइव में अगर 3.0 वर्जन वाले हैं पेंड्राइव है तो उसमें और स्पीड में हो सकेगा। तो यहाँ मैंने कर लिया है, तो आपको दोबारा यहाँ स्टार्ट पे क्लिक नहीं करना है, आपको क्लोज पे क्लिक करना है क्योंकि ये रेडी हो चुका है। ठीक है, तो अब मैं आपको दिखाऊंगा एक, अब मैं आपको एक मेजर प्रॉब्लम भी बताऊंगा जो कि आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ मैंने बूटेबल बना दिया, लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं ये फिर भी वो एक आइकन शो नहीं कर रहा है डिफरेंट कलर का, जो कि मोस्ट प्रोबेबली शो करता है। तो ये प्रॉब्लम आपके कंप्यूटर में होती है दोस्तों, ये आपके सॉफ्टवेयर, अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम पुराना है तो उसमें ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिलता है। तो अगर आपके कंप्यूटर में इजेक्ट करने के बाद भी ये आइकन चेंज नहीं होता है तो इसका मतलब आपके प्रिंटर में फॉल्ट नहीं है दोस्तों, वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में फॉल्ट है। तो आप उसमें टेंशन ना लें, वो अगर आप उसे बूटेबल करेंगे, बूट उससे आप करेंगे तो वो आराम से होगा। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ इजेक्ट कर लिया है और फिर से मैं इसे लगाता हूँ, तो यहाँ देख सकते हैं वो आइकन शो हो रहा है। तो ये आइकन की मैं बात कर रहा था, तो किसी किसी में ये शो नहीं करता दोस्तों, तो आपको टेंशन ना लें, कोई बात नहीं है, आप उसे आराम से बूट कराएं, वो आराम से बूट होगा और आपका विंडोज 10 आराम से डाउनलोड इंस्टॉल हो जाएगा आपके कंप्यूटर में। ठीक है, तो मैंने यहाँ आपको करा के दिखा दिया है। तो कुछ कुछ लोग यहाँ इसमें क्लिक करके इंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं, तो ये गलती आपको नहीं करना है, आपको सिस्टम को बूट रिस्टार्ट करके आपको इसे इंस्टॉल करना है। ठीक है, अगर वो वीडियो आपको इंस्टॉलेशन की वीडियो आपको चाहिए होगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स।